हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्कीम जिसका नाम है निष्ठा। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड इसका नाम है निष्ठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। सो निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समग्र शिक्षा। ऑलराइट, समग्र शिक्षा के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड दिस स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना ही इस स्कीम का एम था एंड दिस स्कीम एम्स टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू एनकरेज एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। टीचर्स को मोटिवेट करना और उनको इक्विप करना टू एनकरेज एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का जो भाव है उसको जगाना इज वन ऑफ द एम ऑफ दिस स्कीम एंड ऑल्सो इट विल मोटिवेट टीचर्स टू हैंडल डाइवर्स सिचुएशन एंड इट विल हेल्प देम to act as first level counselors. Alright, so these are some basic aims of the scheme NISHTA, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. Now, it is the largest teachers training program which will train over 42 lakh teachers. लगभग 42 लाख टीचर्स को train किया जाएगा under this scheme and this program covers all teachers and heads of schools at the elementary level in all the government schools. Faculty member of SCRTs and DITES, that is District Institutes of Education and Training, and Block Resource Coordinators and Cluster Resource Coordinators in all the states and UTs. Alright, so ये सारे लोग cover किए जाएंगे under this program. सारे teachers or heads of the schools at the elementary level in all the government school, SCRTs or DITES के faculty members and इसके अलावा Block Resource Coordinators and Cluster Resource Coordinators will also be covered under this scheme. Now, जब यह स्कीम लॉन्च की गई थी then what were the expected outcomes? So, this program will increase awareness among the teachers and help them to develop their skills on various aspects. Alright, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये इंक्रीज करेगा अवेयरनेस टीचर्स के अंदर और उनको मदद करेगा उनकी स्किल डेवलप करने के लिए ऑन वेरियस aspects रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड टेस्टिंग, लर्निंग आउटकम्स, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी एंड ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्री स्कूल, प्री वोकेशनल एजुकेशन एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट। सो दीज आर सम एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस स्कीम एंड नाउ इसके अंदर जो ट्रेनिंग स्टाफ है वो कौन कौन है। सो देर आर सम नेशनल रिसोर्स पर्सन विच आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम NCERT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर इंस्टीट्यूट and these NRPs यानी कि these national resource persons would give training to key resource persons KRPs and state resource persons identified by the state and the UTs. Alright, so NRPs को identify किया जाएगा from NCERTs and other institutes and these NRPs would give training to KRPs यानी कि key resource persons and the state resource persons जिनको identify किया जाएगा by the state and the UTs. एंड फाइनली ये जो KRP और SRP है यानी कि की रिसोर्स पर्सन और स्टेट रिसोर्स पर्सन है दे विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द निष्ठा बेनिफिशरीज यानी कि जो एलिमेंट्री लेवल पे टीचर्स हैं और जो हेड्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम किनका होगा KRPs और SRPs का। ऑलराइट, नाउ दिस प्रोग्राम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी टू इनेबल स्मूथ फैसिलिटेशन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग मेथड्स to support the teachers and to boost the same NISHTA website primer booklet training modules and a mobile app was also launched. So ye sabhi cheezon ka istemal karte hue ye isme bahut sari technology ko integrate kiya gaya hai, bahut sari technology ka istemal karte hue is scheme ko boost kiya jayega aur sath hi sath jo teachers hain aur jo head of the school hain unki jo holistic advancement hai uske upar dhyan diya jayega. Alright, so guys this was about the scheme और इस स्कीम से क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आते रहे हैं एंड इनफैक्ट इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्कीम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। अंडर विच मिनिस्ट्री निष्ठा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019।
So guys, we have discussed that this scheme was launched by Ministry of HRD. Ministry of Human Resource Development ने इस स्कीम को लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 एंड एचआरडी मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय रमेश पोखरियाल निशंक. हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज हरिद्वार. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. निष्ठा इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम विच एम्स टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल. व्हाट डू टू एच डिनोट इन द वर्ड निष्ठा. निष्ठा में दो एच का मतलब बताना है. सो गाइस, हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी जिसमें दो एच का मतलब है बी हेड्स और होलिस्टिक. हेड्स एंड होलिस्टिक विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. निष्ठा वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन अगस्त 2019 ऑल ओवर द इंडिया. बट व्हेन इट वॉज लॉन्च इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में इसको कब लॉन्च किया गया. ऑप्शन ए इज नवंबर 2019 ऑन द सेम डेट दैट इज इन अगस्त 2019 इन जनवरी 2020 इन दिसंबर 2019 या फिर अभी तक ये इसको लॉन्च नहीं किया गया है जे एंड के में. सो गाइज, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019. नवंबर 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. निष्ठा स्कीम वॉज लॉन्च अंडर विच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. निष्ठा स्कीम को कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया. सो गाइस, इस स्कीम का नाम है ऑप्शन डी समग्र शिक्षा अभियान. राइट, समग्र शिक्षा अभियान. एंड व्हाट इज दिस समग्र शिक्षा अभियान. सो दिस वॉज लॉन्च इन द ईयर 2018 फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. बेसिकली जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराने के लिए फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2018. एंड दिस स्कीम सब्ज्यूम्स थ्री स्कीम्स, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन. आपने जरूर इस स्कीम के बारे में पढ़ा होगा. इस स्कीम के अंदर तीन स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया था जिनका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन. सो दिस वॉज अबाउट समग्र शिक्षा अभियान. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. निष्ठा इज द लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड विच विल ट्रेन ओवर 42 लाख टीचर्स. फॉलोइंग आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम एक्सेप्ट. इनमें से कौन इस स्कीम के बेनिफिशियरीज नहीं है. सो ऑप्शन ए इज टीचर्स एंड हेड्स एट एलिमेंट्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल. यस, ये हैं बेनिफिशियरीज. नेक्स्ट इज फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एससीईआरटीज. यस, ये भी हैं. फैकल्टी मेंबर्स ऑफ डाइट्स. यस, दीज आर ऑल्सो देयर. एंड ब्लॉक एंड क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स आर ऑल्सो देयर. सो देयरफॉर गाइस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट. ऑप्शन ई प्रिंसिपल्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ऑप्शन ई प्रिंसिपल्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस सेशन. आई होप आपको निष्ठा स्कीम बिल्कुल क्लियर है. एंड फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं कल मैं आपके सामने एक और गवर्नमेंट स्कीम लेके आऊंगा. सो सैटरडे और संडे को हमारा गवर्नमेंट स्कीम का सेशन होता है 8 बजे सुबह. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.